जय हिंद। देखिए नीट एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर लेके जो एडवोकेट सुवेब आलम जो है, देखिए उन्होंने 6 मिनट पहले ट्वीट किया है और वो पेटिशनर है इस केस के लिए कि नीट का एग्जामिनेशन को रिशेड्यूल किया जाए बेंच में। वी कैन नॉट डायरेक्ट अटेंडिंग ऑफ द एन एग्जामिनेशन, ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से हम लोग ये नहीं चाह रहे कि एग्जामिनेशन को आगे बहुत दूर तक पोस्टपोन कर दिया जाए, सिर्फ 10 से 15 दिन का पोस्टपोन का मतलब एटलीस्ट लोगों का ये डिमांड। अगर ट्विटर पर देखेंगे तो ये अप टू डेट यह है कि अभी जो है पूरी तरह से लोग सिर्फ एक हफ्ते का पोस्टपोन की मांग कर रहे हैं। एक हफ्ते में अगर पोस्टपोन कर भी दिया जाता है एग्जामिनेशन को तो किसी तरह के एकेडमिक सेशन पे किसी तरह का हार्मफुल नहीं होने वाला है, लेकिन इससे लाखों बच्चे जो है एग्ज़ाम देने से जो वंचित हो जाएंगे वो एग्ज़ाम दे सकेंगे। सो गाइस, मैं हमेशा इस बात का डिमांड करता हूँ कि एग्जामिनेशन के आप लोगों के साथ भी हूँ और ये डिमांड करता हूँ कि एग्ज़ाम को मात्र एक 1 वीक का कम से कम पोस्टपोन करना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद करते हैं कि यही फैसला आना चाहिए कि 1 वीक के लिए एग्जामिनेशन को, किसी भी एग्जामिनेशन को डिफरेंट कर दिया जाए। एक 1 वीक का भी अगर डिफरेंट करेंगे तो हमारे बच्चों को मौका ज़रूर मिल जाएगा। सो गाइज, आप ट्वीट कमेंट्स में भी बताएं कि क्या आप भी, हम लोग स्वाभाविक सी बात है, हम लोग सब जान रहे हैं। सो आप लोग भी वीडियो को शेयर एंड लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन कर दीजिए। साथ साथ मैं ये भी बता दूँ कि जैसे ही आपको फैसला आएगा सबसे पहले आप इस चैनल पे के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगा, ये मेरी तरफ से पूरी तरह से कोशिश रहेगी। जय हिंद, जय भारत।